नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स में डकैती में गए जेवरात अभी पुलिस बरामद भी नहीं कर पाई कि शहर में ज्वेलरी की एक और शोरूम में बदमाशों ने लाखों रुपए के जेवरातों पर फिर हाथ साफ कर दिया। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ज्वेलरी शोरूम में भी बदमाशों ने रुड़की एटीएम और दूसरी जगह पर हुई वारदातों की तरह ही गैस कटर का इस्तेमाल किया। देहरादून के विकास नगर के सेलाकुई इलाके में दिनेश ज्वेलर्स शोरूम पुलिस पिकेट बूथ से चंद कदमों की दूरी पर है। इस ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने देर रात हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम से लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर देहरादून पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। चोरों ने शोरूम में रखे आर्टिफिशियल गहनों को भी नहीं छोड़ा। चोरी के बाद वो शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी अपने साथ ले गए। ये सेलाकुई थाना क्षेत्र में सतेंद्र चौक है, वहाँ पर एक ज्वेलरी की शॉप है और उसमें एक चोरी की घटना प्रकाश में आई जब प्रातः, चूंकि आज मार्केट बंद रहती है, लेकिन किसी कारण से जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि पीछे के रास्ते से वहाँ पर चोर घुसे थे और उसके बाद जो वहाँ के लॉकर को काटने का प्रयास किया लेकिन उसमें असफल रहे। तो वहाँ पर जो उनकी आर्टिफिशियल कुछ ज्वेलरी जो बॉक्स में रहती थी वो और साथ ही साथ कुछ चांदी का सामान वो वहाँ से ले जा पाए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दुकान बंद होने के बाद दुकान का मालिक अगली सुबह जब दुकान पर पहुंचा तब उसे चोरी के बारे में पता चला। चोरों ने इस घटना में भी रुड़की एटीएम और काशीपुर में हुई लूट की तरह गैस कटर का इस्तेमाल किया है। चोरों ने दुकान की तिजोरी गैस कटर से काट कर उसमें से जेवरात निकाल लिए। इस तरह की घटना गैस कटर के प्रयोग की आसपास के उत्तराखंड में भी अन्य जगह जैसे अभी काशीपुर और हरिद्वार के रुड़की में भी देखने को आया जहां एटीएम खुले गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा गैंग सक्रिय है जो गैस कटर के माध्यम से इसी घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रही है लेकिन एक के बाद एक हो रही सभी लूट की घटनाओं में गैस कटर का इस्तेमाल होना इस ओर इशारा करता है कि हो ना हो इन सभी वारदातों को एक ही गैंग ने अंजाम दिया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।